गुरु की उपस्थिति बिल्कुल अलग है, वो देखा जाए तो अनुपस्थित की तरह है। और जब भी गुरु की ओर कोई ध्यान ले जाता है तो ये विधि स्वाभाविक रूप से घटती, तुम अपने ऊपर ही लौटते हो, तुम अपने को ही देख रहे हो। जैसे कोई गुरु को देखता है, अगर तुम उसको बड़े सामान्य ढंग से समझना चाहो तो तुम अपनी संभावना को देख रहे हो, तुम भी वहाँ हो सकते हो, अपनी शांति को देख रहे हो, तुम अपने अंदर के बुद्धत्व को देख रहे हो, तो वस्तुतः तुम अपने आप को ही देख रहे हो। गुरु को देखते देखते हम अपने ऊपर ही लौट चुके हैं, और फिर गुरु भी तुम्हें अपने ऊपर लौटाने में सहायता दे रहा है तो तुम और आसानी से लौट जाते हो। सामान्य व्यवहार में तो व्यक्ति भी तुमको खींचने की कोशिश कर रहा है तो तुम खींचते भी हो, और तुम अपनी तरफ से भी खींचने की कोशिश करते हो, तो दोनों सहयोगी बन जाते हैं। गुरु तो तुम्हें तुम्हारे ऊपर ही लौटा रहा है, यही उसका काम है। तो ये प्रक्रिया इसलिए बड़ी सरल हो जाती है, तुमने उधर ध्यान दिया नहीं, तुम अपने ऊपर लौटे नहीं।